तो साथियों, हम लोग देख रहे थे आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए जीएस वर्ल्ड की एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज। इसकी जितनी तारीफ़ करें इतना कम है। ये टेस्ट सीरीज साथियों 14वीं टेस्ट सीरीज है, फुल टेस्ट सीरीज फुल जीएस की। और मैं पहले वीडियो में बताया था, मैंने इसको पहले पार्ट में करवाया हूँ। मैं पिछले वीडियो में इसको इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करवा रहा था और 70 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा था। इसमें कुल 150 प्रश्न हैं और 150 प्रश्नों में साथियों मैं 70 प्रश्न तक सॉल्व करवाया था और किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो पाए थे, तो मैंने कहा मैं इसको पार्ट टू में रखूँगा। तो साथियों मैं इसलिए इसको पूरा करना चाहता हूँ। ये टेस्ट सीरीज 14वीं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसकी खासियत क्या है? वैसे खासियत तो हर एक टेस्ट सीरीज की होती है, जो भी संस्थाएं बनाती हैं तो हर एक टेस्ट सीरीज की अपनी एक अलग खासियत होती है। लेकिन ये 14वीं टेस्ट सीरीज की खासियत में बताया था साथियों, इसमें जितने के जितने प्रश्न रखे गए हैं सब के सब जो है नए प्रश्न रखे गए हैं और नए प्रश्न इस हिसाब से बनाए गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उनको देख कर उन्हीं के आधार पर ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो प्रश्न कैसे हैं, एक तो आपको जो करंट अफेयर में इंडेक्स आते हैं, सूचकांक आते हैं, करंट अफेयर के रिलेटेड चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं वो है करंट से रिलेटेड। और दूसरी बात, करंट से रिलेटेड आजकल जीएस भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी जीएस के प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर करंट से जोड़कर बनाए जाते हैं। तो यही दोनों फैक्टर इसमें है में, इसलिए मैं पूरा करवाना चाहता हूँ। आप लोग अगर वीडियो को इसके पहले पार्ट वाला नहीं देखे हैं तो आप जाकर वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है साथियों, आपको बहकाया नहीं जाता है। साथियों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को हमारे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलो जो है पहले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न। बहुत बेहतरीन साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करिए साथियों, सिर्फ सुना करेंगे, आपको कुछ लिखना उखना नहीं रहेगा, आप लोग सिर्फ सुनेंगे। इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है तो सारी चीज़ों को यहाँ क्लियर अपने आप हो जाती है। तो हम लोग 70 तक देख लिए थे, 71 से यहाँ देखते हैं क्या है यहाँ पर साथियों। बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि 18वीं तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो शुरू हुआ साथियों, आपको बता दें ये शुरू हुआ 24 जून 2024 को, 24-24। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा, क्योंकि इसी दिन से ही एक प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। किसे बनाया गया? भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया और इसी दिन से जो नए संसद सदस्य चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलवाने का कार्य शुरू हुआ। आप लोग जानते हैं प्रोटेम स्पीकर का काम ही होता है कि जो संसद जो सांसद जो है चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलवाना, तो यही इनका काम होता है। जो उनमें सबसे ज़्यादातर जो सीनियर सदस्य होते हैं उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर जो है बना दिया जाता है शपथ दिलवाने के लिए। आगे चले हम लोग साथियों, बहुत बढ़िया 72 वाले में देखते हैं क्या है साथियों। देखें एक कंसेप्चुअल सवाल है, बहुत बढ़िया, ऐसे सवाल देखने में सिर्फ भारी भरकम होते हैं, इसमें कोई दम नहीं होता है साथियों। सिर्फ आपको ऐसे सवाल आएँ तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये करना है, देखें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दो ठो कथन दिया है, इन्हीं कथनों को अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़कर सत्य कथन को चुन लेना है। तो आप पहला जब पढ़ेंगे तो पहले में क्या करा है कि 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यस मेरे भाई, 1883 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, ये बात सत्य है। अब हम दूसरा पढ़ लें, ए ओ ह्यूम के द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी। यस मेरे भाई, ए ओ ह्यूम के बारे में आप लोग जानते होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया 72 में, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं 73 वाले में साथियों, ये भी एक फैक्चुअल सवाल है, आपको कहीं ना कहीं फैक्ट के रूप में मिल जाएगा। ये कह रहा है कि कल्पक्कम पहला मतलब कौन सा एक युग्म गलत है। तो साथियों यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिए,
आपको गलत के बारे में पूछा है, इसको पहले मार्किंग कर लिया करिए, नहीं तो आपका आता हुआ प्रश्न चला जाएगा। गलत आपको गलत बताना है कौन सा मिसमैच है। तो आप जब पहला पढ़ेंगे तो पहला में कह रहा है कि कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र तमिलनाडु में है। तो यस मेरे भाई, ये बातें सही हैं, ये सही बात है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है। नाम सही लग रहा है, कल्पक्कम अक्कम इनका संस्कृत टाइप का नाम ही होता है तमिलनाडु में, तो पकड़ने का एक यह भी तरीका है। बी वाले में क्या कह रहा है, बी वाला जब पढ़े आप लोग तो इसमें कह रहा है कि काकरा पाट परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है। यस मेरे भाई, हमारे काका प्रधानमंत्री भी हैं, इसे आप जोड़ लीजिएगा। तो काकरा पाट परमाणु शक्ति गुजरात में है, तो ये भी बात सही है। और जब आप सी वाला पढ़ेंगे, कैका परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में है, तो यस मेरे भाई, कैसे कैका, कैसे कर्नाटक, ये कर्नाटक में है कैगा। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब आप लोग जान गए ये तीनों जब सही हैं तो आप आँख मूंद कर लगा दीजिएगा, जब आपको क्लियर हो हाँ ये तीनों सही हैं तो चौथा ही गलत होगा। क्यों गलत है, नंगल परमाणु शक्ति केंद्र साथियों उत्तराखंड में नहीं है, ये नंगल परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये पंजाब में है। कहाँ है, पंजाब में, याद रखिएगा। इसलिए यह मिसमैच था, उत्तराखंड की जगह पंजाब होता तब सही रहता। आगे हम लोग देखें 74 में साथियों क्या कह रहा है, फैक्टुअल सवाल है इसमें, आपसे कह रहा है सिंदूर है, यानी सिंदूर क्या है। तो आपको मालूम है साथियों सिंदूर क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, एक प्रकार का लाल सीसा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा। इसका केमिकल फार्मूला जो होता है आप लोग जानते हैं HgS होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, तो यही होता है साथियों, और जो सिनेबार से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सी उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ें, देखें 75 में सवाल बहुत बढ़िया है, इसमें क्या कह रहा है। देखें ये सवाल कई जगह पर समाज सुधारक वाले जब टॉपिक आते हैं तो उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है। क्या कह रहा है कि समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति, एक धर्म का नारा कौन दिया था, कौन मतलब ऐसे व्यक्ति हैं दिए थे। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति, एक धर्म, ये किसका नारा है। तो साथियों ये जो नारा है एक बहुत ही फेमस समाज सुधारक हुए थे केरल में, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा, श्री नारायण गुरु, उन्होंने ही ये नारा दिया था। इनका एक बहुत प्रचलित कथन है, ये दलितों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, एक तरह के समाज सुधारक हैं। तो इन्होंने दलितों को कहा कि आपका जो है हक अधिकार जो है वो उच्च वर्ग वाले लिए हैं, तो आपको उच्च वर्गों से लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपका हक अधिकार वापस मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा दलितों को जो है ये मतलब एक्साइट करने का काम करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी श्री नारायण गुरु केरल के थे ये। तो चले हम लोग अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 76 बहुत बेहतरीन है साथियों, ऐसे फैक्चुअल सवाल कई सारे पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 1921 में एक प्रेस समिति गठित हुई थी, और कह रहा है ये प्रेस समिति का गठन किया गया था, किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो साथियों आप लोग जान लीजिए ये प्रेस समिति का गठन 1921 में टीबी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में गठित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्यों गठित किया गया था, क्योंकि साथियों जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार की आलोचना जो सब लोग कर रहे थे, तो आलोचना रोकने के लिए सरकार ने राजनीतिक प्रदर्शन को दबाने के लिए भारतीयों पर कानूनी कार्रवाई करने लगी। तो 1921 में तेज बहादुर की अध्यक्षता में जो है ये एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम है प्रेस समिति। तो प्रेस समिति का सरकार ने जो है अधिनियमों को निरस्त कर दिया, हालांकि तत्पश्चात इन अधिनियमों को निरस्त कर दिया, लागू नहीं हो पाया। तो लेकिन ऑप्शन नंबर बी यही उत्तर होगा। आगे हम लोग देखें 77 में क्या है, देखें इसमें क्या कह रहा है हमें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट साथियों बहुत फेमस सवाल, कई सारे एग्जाम में ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में। असत्य कथन को बताना है, किसे, असत्य कथन को, तो जो कथन गलत है उसी को बताना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। तो
आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आप लोग सुने होंगे, ये क्या है पहला वाला, यह अधिनियम 1878 में देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य यह था कि जो सरकार की आलोचना अलग अलग भाषाओं में हो रही थी समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। तो इस एक्ट में ये कहा गया कि भाई अब केवल अंग्रेजी में आप लोग समाचार पत्र छापोगे, उसके अलावा किसी भी भाषा में नहीं छाप सकते। तो अंग्रेज़ों का ये उद्देश्य था, अंग्रेजी में छपेगा तो भारत में अंग्रेजी उतना नहीं जानते हैं लोग, कम पढ़ेंगे तो हमारी नीतियों के बारे में कम लोग जानेंगे, तो इसलिए ऐसा कर दिया, इसलिए लाया गया था। तो पहला सही है। बी वाला क्या है, जन जिला दंडनायकों को देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। तो ये भी बात सही है, अंतिम निर्णय केवल वो जो DM होते थे उस समय जिलाधिकारी उनको ही था, ये भी बात सही है। लेकिन हमको गलत को पकड़ना है, और जब ये पत्रिका ये प्रेस एक्ट आया था तो एक अमृत बाजार नाम की पत्रिका हुई थी, और रातों रात जो है वो पहले अपने देसी भाषाओं में छपती थी, लेकिन रातों रात वो अंग्रेजी में बदल गई, क्योंकि यही था कि आप अंग्रेजी में छाप सकते हो लेकिन अपनी देसी भाषाओं में नहीं छाप सकते। तो ये अमृत बाजार पत्रिका रातों रात जो है वो अंग्रेजी में बदल गई, कहा भैया हम अपनी बात को अंग्रेजी में छापेंगे। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब जब तीनों सही हैं तो डी वाला गलत होगा। क्यों गलत है मेरे भाई, 1882 में लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा निरस्त किया गया। नहीं मेरे भाई, आप लोग को ऐसे प्रश्न जब भी मिले तो आप कथनों को पढ़िएगा, आपको आए या न आए, आपको जो है वहीं पर गड़बड़ी मिलेगी जिसको आप जानते रहेंगे। एग्जामिनर भी जो पेपर बनाता है उसको भी मालूम है कि इतना सबको नहीं रटा रहता, तो आपको वहीं गड़बड़ी करता है जहाँ पर जो है आप सब लोग जानते रहते। अब ये तो इतना फेमस फैक्ट है, 1882 में लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा थोड़े निरस्त किया गया था, ये तो ये निरस्त किया गया था रिपन के द्वारा ना, तो ये लॉर्ड लिन लिथगो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इसलिए यह गलत हो गया। तो साथियों यही था, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा यह निरस्त किया गया था, रिपन के द्वारा। आगे हम लोग चलें, देखते हैं क्या है 78 में हमारा। देखें एक सवाल है बहुत बढ़िया, इंडियन नेशनल आर्मी ने स्त्री सैनिकों का, किसका, इंडियन नेशनल आर्मी ने स्त्री सैनिकों के यानी महिला सैनिकों का एक दल बनाया था लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में, लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में एक दल बनाया था इंडियन नेशनल आर्मी ने। तो कह रहा है इस दल का, इस दल को क्या नाम दिया गया था, इस दल को क्या नाम दिया गया था। तो साथियों नाम से ही है लक्ष्मी, तो रानी लक्ष्मी रेजिमेंट, यह एक महिला रेजिमेंट था। ऑप्शन नंबर बी किसने बनाया था, इंडियन नेशनल आर्मी ने। आगे हम लोग चलें, देखें इसमें भी देखने में तो भारी भरकम है, कोई दम नहीं है साथियों, जरा सा भी ऐसे सवाल सुन नहीं डरा करिए, डट कर मुकाबला करा करिए। देखें क्या है इसमें, कोई दम नहीं है साथियों, मैं फिर भी कह रहा हूँ उसमें कोई दम ही नहीं होता ऐसे सवालों में, सिर्फ तनी तनी हल्का हल्का कहीं कहीं मसाला डाला रहता है, उसी मसाले को पकड़ना रहता है, दम नहीं है। कह रहा है कि भारतीय प्रेस अधिनियम, यदि पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे, भारतीय प्रेस अधिनियम के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, तीन कथन, इन्हीं तीनों कथनों को पढ़कर हमें सही से उत्तर देना है। तो पहला हम लोग जब पढ़ते हैं पहला कथन, तो ये क्या कह रहा है, समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया था। यस मेरे भाई, ये बात सही कह रहा है, इसीलिए लगा दिया गया था। तो और दूसरा जब पढ़ते हैं तो चार्ल्स मेटकाफ ने 1835 में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799 के नियमों को रद्द कर दिया। नहीं भाई, जो चार्ल्स मेटकाफ ने, जिसे मुक्तिदाता कहा जाता है समाचार पत्रों का, चार्ल्स मेटकाफ को, तो इन्होंने जो है ये 1823 के नियमों को रद्द किया था। किसने, 1823 के नियमों को। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया दो वाला। तो सीधी बात, जहाँ दो हो वो आप काट दीजिए, यहाँ दो है ये कट गया, यहाँ दो है ये कट गया, यहाँ दो है ये कट गया डी वाले में। तो इसका मतलब सीधा सीधा उत्तर आपका सी होगा, एलिमिनेशन लग गया। तो तीसरा भी इसका मतलब सही है, जो हमारे हमको उत्तर मिल गया तो तीसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है।
1857 के द्वारा सरकार ने बिना अनुज्ञप्ति के मुद्रालय रखना और यानी बिना आज्ञा के मुद्रालय रखना और प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया था। सही बात है, तो यानी 1 और 3 सही है। बहुत बढ़िया, ऐसे सवाल देखो हमें केवल एक जानकारी मालूम हुआ, उसी से हमने उत्तर को निकाल लिया। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 80 बहुत बेहतरीन है। एक तरफ इसमें आपको दिया है, ये क्वेश्चन 80 में आपको एक तरफ जो दिया है पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन है, दूसरी तरफ कार्य है। किस हार्मोन्स का क्या कार्य होता है उसी को मिलाकर हमें जो है विकल्प को हमें दिखा देना है। तो देखें हम लोग क्या है, हम लोग को मालूम है साथियों एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो क्या काम करता है, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक का काम करता है, तो ये तीसरे पर चला आएगा। और ये जिबरलिन का क्या काम होता है, कोशिकाओं में वृद्धि, कोशिका वृद्धि का कार्य। और हमारा एक साइटोकाइनिन होता है, इसका काम होता है कोशिका विभाजन करना। और बचा हमारा एक ऑक्सिन, पुष्पन में सहायक, तो ये हमारा चला आएगा यहाँ पर। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा उत्तर बन रहा है, देखें ए वाला 4 पर आना चाहिए, बी वाला 1 पर, सी वाला 2 पर और डी वाला 3 पर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही बन रहा है, यही होगा उत्तर हमारा। आगे बढ़ें, देखें 81 में क्या कह रहा है हमसे। देखें साथियों बहुत बढ़िया ये भी प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करके सही उत्तर बताइए। तो पहला पढ़ेंगे तो हम तब ना सही उत्तर देंगे, यही दोनों कथन वहाँ को पढ़ लेना है और पढ़कर जो सही उत्तर होगा वही ऑप्शन में हमें बता देना है। तो वर्ष 1686 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह देव द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। तो खालसा पंथ की स्थापना साथियों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा तो की गई थी, ये बात सही है, लेकिन 1699 में किया गया था, ये 1619 में किया गया था, ये डेट आपको यहाँ गलत दे दिया है, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया। तो किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, ये बात सही है, लेकिन 1699 में किया था, तो ये तो गलत हो गया। अब हम बचा है दूसरा, इसको पढ़ें, ये गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुई। यस मेरे भाई, ये गुरु तेग बहादुर थे तो 9वें गुरु, तो इनकी हत्या जो है यह औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। और एक और थे 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे, तो उनकी है भी हत्या जो है जहांगीर ने करवाई थी। तो दो ऐसे जो सिख गुरु हैं जिनकी हत्या मुगल शासक के द्वारा करवाई गई थी। तो ऑप्शन 2 यहां पर हमारा सही उत्तर होगा। आगे हम लोग अब पढ़ें, देखें आगे क्या कह रहा है। देखें 82 में साथियों कह रहा है, एक सिंपल सा प्रश्न है, फैक्ट के रूप में याद करिएगा। 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो साथियों यह गोकुला के नेतृत्व में हुआ था, मथुरा गोकुल ये याद रख लेंगे, टाइटल भी ये ट्रिक भी अच्छा बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 में साथियों देखें क्या है हमारा, एक साइंस बहुत अच्छा प्रश्न है जीएस से जीके से, कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन क्या है आपसे पूछ रहा है, कीट संवर्धन क्या होता है? तो कीट संवर्धन आप लोग मालूम है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, संवर्धन लगा है तो इससे भी आप सिंपल सा प्रश्न है, आपको बता ही दिया, आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कीटों की वृद्धि करने का एक तरह का विज्ञान होता है, इसे हम लोग कीट संवर्धन के नाम से जाना भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा ए हो जाएगा। आगे देखें 83 का ए हो गया, अब हम लोग आगे देखें 84 में क्या कह रहा है। देखें ये एकदम थोड़ा सा कंसेप्ट सवाल है, दिमाग लगाएंगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है, किसी देश की मानव पूंजी बढ़ाने से संभावित तरीके क्या होते हैं? साथियों मानव पूंजी क्या होते हैं, यही हम लोग जैसे हमारे घर में अगर 10 स्वस्थ लोग बैठे हैं तो 10 लोग मानव पूंजी है, वो आपको पूंजी कमा कर ला के पूंजी बना सकते हैं। वो लोग मानव पूंजी क्या होती है, ऐसे मानव जो एक तरह से पूंजी बना सकते हैं, ऐसे आप मोटा मोटा याद कर लीजिए। तो मानव पूंजी बढ़ाने के संभावित उद्देश्य क्या है, मेरे भाई मानव का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी वो पूंजी बनाने लायक रहेगा ना,
तो स्वास्थ्य में व्यय जब सरकार करेगी, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो इसका मतलब मानव पूंजी बढ़ रहा है, तो ये बात सही है, स्वास्थ्य में व्यय करना पड़ेगा सरकार को। दूसरा, मानव पूंजी बढ़ाने का क्या तरीका है? देश में जनसंख्या को शिक्षित करना। यस मेरे भाई, शिक्षित रहेगा तो अच्छी पूंजी बना पाएगा ना, अनपढ़ रहेगा तो क्या करेगा, दूसरे की पूंजी बन जाएगा। तो यहाँ पर देश की जनसंख्या को शिक्षित करना, जैसे आप लोग ये याद कर लीजिए मोटा मोटा, मानव पूंजी बढ़ाने का जो कई तरीके होते हैं, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, रोजगार में सुधार, इस तरह से, और जो कौशल बढ़ाने का, स्किल बढ़ाने का ये जो तरीका होता है, ये सब जो है मानव पूंजी बढ़ाने के तरीके हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग देखें 85 में क्या कह रहा है। तो 85 में साथियों देखें, 85 में हमसे कह रहा है, एक फैक्ट सवाल है ये, भारत और पाकिस्तान के प्रत्येक वर्ष राजनयिक चैनल के माध्यम से किस महीने में असैन्य कैदी, यानी ऐसे कैदी जो सैनिक नहीं है, वह मछुआरों की सूची एक दूसरे को सौंपते हैं। तो आप लोग, एक महीना होता है साथियों, उस महीने में एक पहले ये तो समझौता हुआ, कॉन्सुलर एक्सेस के माध्यम से एक समझौता हुआ 2008 में कि आप जितना हमारे असैनिक कैदियों को और मछुआरों को उनको पकड़ोगे तो उसकी सूची देना होगा। तो उसकी सूची देने के लिए साथियों जनवरी जुलाई में यह एक दूसरे को सूची सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया कि हमने आपको कितने असैनिक जो है कैदियों को पकड़ा, मछुआरों को पकड़ा, तो इसके लिए कॉन्सुलर एक्सेस 2008 में एक समझौता हुआ था। आगे बढ़े हम लोग, देखें इसमें 86 में क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है साथियों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5वां के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, इन्हीं को पढ़कर हमें सही उत्तर दे देना है। तो पहला जब पढ़ेंगे आप लोग, तो पहला में क्या कह रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NF, ये चौथे की बात कर रहा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथे में उत्तर प्रदेश के लिए प्रजनन दर 2.7 थी, यूपी स्पेशल से सवाल है। तो जो इस बार घटकर जो पांचवी रिपोर्ट आई है 2.4 रह गई, यस मेरे भाई घटी है, प्रजनन दर घटी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा, सही है। और दूसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 15.8% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, ये भी बात सही है, नेशनल स्वास्थ्य जो है नेशनल फैमिली स्वास्थ्य सर्वे में ये बात बताई गई है। तो ये दोनों के दोनों कथन सही है। और साथियों एक बात और जान ले, जो सबसे ज़्यादा कम उम्र की यानी 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होती है, वह ममता दीदी के राज्य बंगाल में होती है। बंगाल में सबसे ज़्यादा लगभग 40 से 42% ऐसी वहाँ लड़कियाँ हैं जिनकी शादी जो है 18 साल से कम उम्र के हो जाते हैं। और बिहार में भी कम नहीं है, बिहार में भी 40% बिहार में ऐसी लड़कियों की शादी होती है। तो इस पर सरकार ने गौर किया है, सुधार तो होगा, देखते हैं क्या है। तो 87 में क्या है साथियों, 87 में कह रहा है कि मेक इंडिया 0.0 जो दूसरी आई है, दूसरा टर्म मेक इंडिया का, मेक इन इंडिया 0.0 कार्यक्रम कितने उपक्षेत्रों को कवर करता है। तो साथियों एक बात याद रखिए, क्षेत्र अगर कहा होता कितने क्षेत्रों को कवर करता है, तब तो हम कह देते ये जो है 27 क्षेत्रों को कवर करता है, कितने क्षेत्रों को, 27 क्षेत्रों को, लेकिन यह उप क्षेत्र बोला है, तो उप क्षेत्र का मतलब ये 24 क्षेत्रों को कवर करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा। तो आगे चले हम लोग, 88 में क्या है, 2024 का पेन पेंटर पुरस्कार, 2024 का पेन पेंटर पुरस्कार किस भारती को मिला है। तो साथियों यह अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर सी अरुंधति राय को मिला है। ये आप लोग को मालूम है, ये बुकर पुरस्कार भी विजेता रह चुकी हैं अरुंधति राय। तो 27 जून 2024 को उनको एक, इनकी एक लेखन के एक, इनका एक जो था, इन्होंने एक लेख लिखा था, अडिग और अटल,
अडिग और अटल नाम से, तो उसी के लिए इनको यह पेन पेंटर पुरस्कार मिला है, पीपी पुरस्कार। आगे हम लोग देखें 89 में क्या कह रहा है साथियों, ये आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, अगर आप लोग जो है अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक्स को पढ़े होंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर ले जाएंगे। फिलिप्स वक्र के बारे में संबंध दिया है, फिलिप्स वक्र के संबंध में कथनों पर विचार करें, तो फिलिप्स वक्र को यदि आप पढ़े होंगे तो दो कथनों यहाँ दिए गए हैं, इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर अच्छे से उत्तर देना है 89 वाले में। तो फिलिप्स वक्र आप लोग को मालूम है जो है बेरोजगारी दर और मुद्रा स्फीति के बीच के विपरीत संबंध को बताता है, यानी साथियों बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रा स्फीति जो है, यानी मुद्रा स्फीति का मतलब महंगाई, वो घटने लगेगी, क्योंकि साथियों सीधी बात, अगर आप बेरोजगार हो तो सामान ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खरीदोगे, आपके पास पैसा नहीं है, तो जो बेरोजगारी बढ़ जाती है तो आपके पास पैसा इसका मतलब नहीं है, पैसे कमी है, सामान नहीं खरीद रहे हो, लोगों का सामान दुकान वालों का बचा है, दुकान वाले उसे सस्ते में बेच रहे हैं, यानी मुद्रा स्फीति जो है वो घट जाएगी। और यदि रोजगार बढ़ता है तो जो है ये मुद्रा स्फीति भी बढ़ जाएगी, तो दोनों में तो हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 89 बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग अगर इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे। क्या कह रहा है कि फिलिप्स वक्र के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें गलत उत्तर देना है। कौन सा उत्तर? गलत उत्तर, याद रखिएगा गलत उत्तर को कह रहा है। तो साथियों क्या है हमारा, यह आर्थिक विकास और असमानता के बीच को संबंध को बताता है। नहीं भाई गलत है, यह जो है बेरोजगारी दर और मुद्रा स्फीति के बीच को संबंध बताता है, बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति, याद रखिएगा ये गलत हो गया। ये बी वाला क्या कह रहा है, यह दावा करता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मुद्रा स्फीति आती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक नौकरियां और कम बेरोजगारी होनी चाहिए। तो ये बात सही है साथियों, अगर आर्थिक विकास होता है, ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, तो ज़्यादा सामान खरीदेंगे, दुकान वाले भाव खाएंगे तो सामान महंगा करेंगे, यानी मुद्रा स्फीति आ जाती है। तो ये दूसरा वाला सही है, तो हमें गलत को बताना है, तो गलत हमारा केवल कथन एक था, आप ये एक वाला, यानी उत्तर हमारा ए हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखें इनमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निरपेक्ष गरीबी के बारे में। साथियों वैसे गरीबी कई टाइप की होती है, जो दो फेमस है मैं आपको बता रहा हूँ, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या होता है साथियों, जैसे यह गरीबी रेखा है, जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, जो अपनी आवश्यक मूलभूत चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहा है, वो निरपेक्ष गरीबी है। और सापेक्ष गरीबी क्या है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आपके पास मोटरसाइकिल, बंगला, कार है, मोटरसाइकिल है, तो आप किसी का कार देखोगे तो अपने आप को गरीब समझोगे, और किसी के पास कार है वो किसी का जो है हेलीकॉप्टर देखेगा तो वो अपने आप को गरीब समझेगा, हेलीकॉप्टर वाला तो किसी के पास बहुत बड़े बड़े प्लेन चार्टर हैं उसको देखेगा तो अपने आप को गरीब समझेगा। ये होती है सापेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी का मतलब, ये सापेक्ष गरीबी का अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता, अनुमान केवल निरपेक्ष गरीबी लगाया जा सकता है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो यही इसमें एक बहुत बड़ी खास है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया, तो मैं निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी के बारे में आपको बता दिया। तो पहला पढ़ेंगे तो यह ऐसी स्थिति है जहाँ घरेलू आय, बुनियादी जीवन स्तर, यानी जैसे भोजन, आवास बनाए रखने के लिए आवश्यक स्तर से नीचे है। यस मेरे भाई, मैंने पहले बताया निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, जो मूलभूत चीज़ों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये पावर्टी लाइन हो गई PL, इसके जो नीचे व्यक्ति रह रहे हैं, तो वही आप लोग को मालूम होगा राशन कार्ड होता है BPL ना, तो बिलो द पावर्टी लाइन, यानी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये सही है हमारा। दो वाला कह रहा है कि यह स्थिति विभिन्न देशों के बीच और समय के साथ तुलना करना संभव बनाती है। तो यस मेरे भाई, तो यह जो है संभव को, यह तुलना किया जा सकता है, इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो 90 का हमारा जो है, ये दोनों के दोनों सवाल, ये कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। मैं थोड़ा सा समय दे दिया आपको समझाने के लिए। तो आगे चलें हम लोग अब 91 में देखते हैं।
देखें 91 में क्या है, मगध शासक बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित कथन को बताना है कौन सा सही है। तो मगध शासक बिंबिसार, तो इसके संबंध में दो कथन है, इन्हीं कथनों को पढ़ना है और हमें उत्तर देना है। तो क्या है साथियों हमारा, उसने कोसल देवी से विवाह किया और दहेज के रूप में काशी क्षेत्र प्राप्त हुआ। यस मेरे भाई, बिल्कुल सही जब कथन है, बिल्कुल सही सूचना दिया है, जिससे उसे बहुत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। यस, वो अपने साम्राज्य को विस्थापित प्रसार करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो विवाह करते थे, पहले के शासक जो होते थे विवाह करके दहेज के रूप में ले लेते थे, तो बहुत सारा उनको जो है क्षेत्र मिल जाता था, उससे उनकी इनकम होने लगती थी। दूसरा क्या कह रहा है, महावीर और बुद्ध दोनों जो है ये बिंबिसार के समकालीन थे। तो यस सही बात है दोनों, तो दोनों के दोनों कथन हमारा यहाँ सही होगा, सी होगा उत्तर। 92 में क्या कह रहा है, अशोक के स्तंभों के बारे में कथन दिया है और कौन सा सही है उसी को बताना है हमें, सही उत्तर। तो देखें मेरे भाई, वे अखंड स्तंभ से बने हैं और अत्यधिक पॉलिश किए हुए हैं। सही बात है, अशोक के जितने स्तंभ हैं वो टूटे फूटे स्तंभों में नहीं है, अखंड रूप में हैं और पॉलिशदार भी हैं, तो ये बात सही है। और उसके स्तंभों पर, अलग अलग स्तंभों पर अलग अलग प्रकार के जो है मतलब कलाकृतियों से सजाया गया है। तो इसमें लिखा है सिर्फ अशोक चक्र से सजाया गया है, नहीं भाई, अलग अलग कहीं पर कमल, कहीं पर घोड़ा, ये वो तमाम चीज़ों से सुसज्जित किया गया है, तो ये गलत हो गया। तो कौन सा हमारा यहाँ 92 का उत्तर सही होगा, केवल ए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों, ये देखें हम लोग बिना चुटकियों में सॉल्व होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखें होयसल वंश के संदर्भ में हमें सूचनाएं दी गई हैं, होयसल वंश के संबंध में ये चार सूचना है, चारों को पढ़ लें तो हमें उत्तर आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग पहला पढ़ें, देखो विष्णु वर्धन या बिट्टी देव होयसल राजवंश से संबंधित एक महान राजा थे। तो आपको मालूम होगा साथियों, विष्णु वर्धन होयसल राजवंश से संबंधित थे और महान राजा थे उस समय के, तो ये बातें सत्य हैं। तो हमें विकल्प में एक रहना चाहिए, जिस विकल्प में एक नहीं है तो वो गलत हो जाए, क्योंकि एक तो क्लियर है, एक सही है, तो हमें सही उत्तर बताना है। तो एक इसमें है, एक इसमें है, तो यानी इसमें एक नहीं है, इसमें एक नहीं, ये दोनों गलत हो गए, पहले ही निकल गए। अब हमें दो में ही उत्तर होगा। अब आप लोग हमें जैसे बाकी के और नहीं आ रहा है, बाकी के और हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो यहाँ पर आप चौथा जब पढ़ोगे तो होयसल वंश के एक हमें तो ये भी क्लियर है, होयसल वंश के होयसल मंदिर जो है वो 13वीं 14वीं शताब्दी में बना था, 15वीं यहाँ दे दिया, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो जिसमें चार होगा वो गलत हो जाएगा, इसमें चार है ये गलत, इसमें चार है ये गलत, तो हमारा केवल बचा एक। एलिमिनेशन के माध्यम से हमने उत्तर को बड़े अच्छे से निकाल लिया, तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा, बाकी चीज़ों को हमें पढ़ना ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो 94 में देखें तो मंदी के बारे में, मंदी क्या होती है साथियों, इसके बारे में हमें कथन दिया गया है, तो उसी कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर को देना है। तो मंदी क्या है साथियों, यह अस्थायी आर्थिक गिरावट की अवधि है, जिसे आमतौर पर दो लगातार तिमाहियों में जीडीपी में पहचाना जाता है। तो ये बातें साथियों गलत है हमारी, क्यों गलत है, क्योंकि मंदी जो है आर्थिक गिरावट की अवधि है, ये बात तो सही है, जिसके दौरान व्यापार औद्योगिक गतिविधियाँ ये सब जो होता है वो ठप हो जाती हैं धीरे धीरे। मंदी का मतलब जैसे क्या होता है, यहाँ जो दिया है ये मंदी, तो मंदी का मतलब जैसे अर्थव्यवस्था का संकुचन होना, अर्थव्यवस्था का सिकुड़ जाना, यानी चीज़ों को अर्थव्यवस्था में चीज़ें उतने तरीके से फैल नहीं रही हैं, जिससे उत्पादन खपत ये सब कम हो जाते हैं, बेरोजगारी भी बढ़ जाती है और ये सब तमाम चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें जो है ये हमारा ये जो है पहला तो गलत हो गया हमारा,